मिठाई पर एक्सपायरी डेट लिखनी अनिवार्य होगी, ये FSSAI ने निर्धारित किया है। ये आदेश 1 अक्टूबर से प्रदेश में लागू हो रहा है, जिसमें मिठाई विक्रेता ये बताने के लिए बाध्य होगा कि मिठाइयों का कितने समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी समय सीमा भी जानकारी उपभोक्ताओं को देना अनिवार्य की गई है। खाद्य नियामक ने खुली बेची जाने वाली मिठाइयों के लिए ये प्रक्रिया अब अनिवार्य कर दी है, लेकिन दुकानदारों को लगता है कि एक्सपायरी डेट लिखने से मिठाई की बिक्री 10% तक कम हो जाएगी। ग्राहक वही मिठाई खाएगा जो उस दिन बनी हुई होगी। सोलन शहर के मिठाई विक्रेताओं का कहना है कि सरकार का ये निर्णय तो ले लिया है कि मिठाई पर एक्सपायरी डेट की तिथि लिखी जानी चाहिए, लेकिन ये कैसे संभव होगा ये जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वे ज़्यादातर खुली मिठाइयाँ ही बेचते हैं, ऐसे में सब मिठाइयों पर एक साथ एक्सपायरी तिथि लिखना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के कारण उन्हें घाटा भी उठाना पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के इस आदेश का वे स्वागत करते हैं। खाद्य पदार्थों पर तिथि लिखी जानी चाहिए, लेकिन ये कार्य कैसे किया जाएगा इसके लिए विक्रेताओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। और जो गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है कि थोड़ा सा हमें तो थोड़ा टफ लगेगा अभी स्टार्टिंग में तो, पर थोड़ी थोड़ी दिनों में हमें आदत पड़ जाएगी। पर जैसे बोल रहे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखना तो थोड़ी दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर ऑलरेडी हमारा तो सारा ओपन ही है, हम पैकेट वाली चीज़ अभी यूज़ करते नहीं हैं ना, हमारे पास अभी अवेलेबल है। जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम यूज़ करेंगे। और जो ये निर्णय थोड़ा हमें ठीक भी लगा, हम तो छोटे व्यापारी हैं, हम तो छोटे उसकी तरह ही सोच विचार कर सकते हैं। इसको हम तो नहीं ठीक मान रहे वैसे, हाँ जी। जैसे खुली चीज़ है तो खुली चीज़ में क्या डेट कैसे लिखी जाएगी, कौन क्या करेगा, कैसे कैसे चलेगा काम, हाँ जी। अब निर्णय गवर्नमेंट का कहा है भाई, निर्णय क्या क्या सोचे, गवर्नमेंट ने निर्णय ले लिया हुआ, क्या पता बाकी क्या। अब नुकसान तो हूँ देखो, क्या पता क्या होगा, नुकसान होता ही है। अब एक चीज है, आज बिकनी कल बिकनी है कि नहीं, तो टाइम तो कुछ लगता ही है, कभी रोज रोज दी रोज भी बिक जानी, कभी दूसरे दिन भी बिकनी।